कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर भोपाल की गुल्लक गैंग ने मोहब्बत की दुकान खोलकर शरबत बांटा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर पंडाल लगाकर बच्चों की गैंग ने राहगीरों को शरबत पिलाया। भोपाल के बच्चों की एक टीम जो कि गुल्लक गैंग के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, गुल्लक गैंग ने विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक पूरे देश में राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार किया। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर गुल्लक गैंग के सदस्यों ने मोहब्बत की दुकान खोली। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर टीम ने राहगीरों को शरबत पिलाकर अनोखे अंदाज में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। गुल्लक गैंग के सदस्य जिया परमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नफरत की दुकान खोली है उसमें हम मोहब्बत का शरबत भरना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर यशराज परमार का कहना है कि हम साल भर राहुल गांधी की यह मोहब्बत की दुकान खोल कर रखेंगे और समय समय पर शरबत बांटेंगे। जी, इसका सबसे खास कारण है हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है आज, तो हम क्यों नहीं बांटे। हमारे नेता ये नहीं चाहते कि हम बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन करें, कहीं बाहर जाके पार्टियां करें। हमारे नेता चाहते कि हम सेवा करें, देश की सेवा करें, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत करें। शरबत का खास कारण ये कि जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो लोगों के मन में करवाहट भरी है, हिंदू मुस्लिम करके जो नफरत भरी है, बस इस शरबत के माध्यम से हम लोग वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी ने पैगाम दिया था मोहब्बत बांटते चलो, तो उन्होंने पैगाम दिया था, तो हम सोच रहे थे कि उनके जन्मदिन से इसकी शुरुआत की जाए और आगे भी हम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।